आपका स्वागत है वीकली इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ अपडेट में। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का एक बहुत ज़रूरी टेंडर कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि L&T ने जीता है। ये 25,000 करोड़ का टेंडर है, जिसमें L&T को 237 किलोमीटर की हाई स्पीड ट्रेन का सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, वो भी 4 साल के अंदर। ये पूरा सेक्शन गुजरात में आता है, वापी और वडोदरा के बीच में। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1396 हेक्टेयर की लैंड एक्विजिशन करनी है। गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम सबसे तेज चल रहा है। यहाँ 82% लैंड एक्विजिशन हो गई है, दादर नगर हवेली में 80% और महाराष्ट्र में सिर्फ 23% हुई है सितंबर 2020 तक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। 60 किलोमीटर की सुरंग बनने जाएगी राजस्थान में मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से। ये हाईवे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए है, जिससे दिल्ली और मुंबई को और अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये हाईवे राजस्थान में भिंदाहेरा विलेज से मूंदिया विलेज तक जाएगा। NHAI ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का पहला टेंडर निकाल दिया है, जो कि 160 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे 634 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल और सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे होगा। ये 35,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे 2023 के आखिर तक ख़त्म होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली से अमृतसर 4.5 घंटे में और कटरा 6.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने वाली है इस साल के अंत तक। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था और ये ट्रेन आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस 5 किलोमीटर के पास पहुंचा देगी और इससे इस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। 14.2 किलोमीटर लंबी रोज़ेला टनल का काम शुरू हो गया है। इस टनल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग को मिला है 4,510 करोड़ में। वैसे तो नितिन गडकरी ने कहा है कि ये 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, पर इसको ख़त्म करने का टाइम है 6 साल। ये टनल लेह को ऑल ईयर कनेक्टिविटी देगी श्रीनगर से। ये हमारी बैड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, जो कि 150 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, अभी 1661 प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में 20,90,000 करोड़ का खर्चा आ रहा था, मगर 441 प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट एक्सकलेशन आ गया है, जिसकी वजह से अब इनकी कॉस्ट 25,26,000 करोड़ हो गई है। इनके डिले में कुछ रीजंस हैं, लैंड एक्विजिशन में डिले, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जैसे कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के हिसाब से 2,921 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट बन गए हैं भारतमाला के अंदर, और 322 प्रोजेक्ट्स जिनकी लेंथ है 12,431 किलोमीटर भारतमाला के अंदर अवार्ड कर दिए गए हैं अगस्त 2020 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।